दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोडी खड़े सर आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और सपा गठबंधन को लेकर हुई बड़ी बैठक के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आया, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में क्या योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में चल रही है खटपट बताएंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर उठ रहे हैं कई सारे सवाल दोस्तों, और अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ममता बनर्जी की ओर से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिस कार्यवाही को रुकवाने के लिए बीजेपी के लोग अब कोर्ट भी पहुंच चुके हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हो गए हैं, एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की सारी बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई फटाफट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पूरे देश भर के अंदर इंडिया गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ मात्र एक उम्मीदवार उतारना चाहिए और ईवीएम को लेकर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर शिकायतें करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। लोकसभा चुनाव के अंदर सीटों के बंटवारे के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिल्ली के अंदर बैठक खत्म हो गई। इस बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और कांग्रेस पार्टी की ओर से सलमान खुर्शीद मौजूद रहे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस बैठक में हमारी बातचीत काफी विस्तार से हुई है, हमने अपनी सारी बातें उनको समझा दी है, उन्होंने अपना पक्ष भी रख दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बातचीत समाजवादी पार्टी के साथ हो रही है। राम गोपाल यादव ने बीएसपी से गठबंधन के सवाल पर कहा कि उनसे ही पूछना चाहिए कि वे गठबंधन में आना चाहती है या नहीं आना चाहती। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव से फोन पर बात करेंगे या उनसे जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं। बता दें कि पहले ये बैठक 12 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से तैयारी पूरी नहीं थी, जिसके कारण मामले को एक बार स्थगित कर दिया गया था दोस्तों। और बीते दिन जब डिटेल में चर्चा की गई है तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर आधा रास्ता तय हो गया है, बाकी का रास्ता भी जल्द तय कर लिया जाएगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी आपस में बात करेंगे। सलमान खुर्शीद ने खुद ये जानकारी दी है दोस्तों। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ बोले, कहा मैं जैसा कपड़ा घर पर पहनता हूं वैसा ही कपड़ा बाहर भी पहनता हूं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाओ, ये रंगमंच नहीं है। योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी माना जा रहा है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बिहार से भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह और पार्टी विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। उन लोगों के बीच में इस संबंध में बातचीत हुई है। नीतीश कुमार के साथ इस बातचीत में जेडीयू की तरफ से विजय कुमार चौधरी, मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हाईकमान का मैसेज लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात की गई है। मुलाकात ऐसे समय में की गई जब सीट बंटवारे को लेकर बिहार में देरी हो रही है। नीतीश कुमार ने भी नाराजगी व्यक्त की है। लालू यादव से मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा इतनी जल्दी नहीं होता है। इस दौरान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्या आरजेडी या फिर लालू यादव जाएंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि वो नहीं जा रहे हैं। साथ साथ आगामी 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दलों पर बीजेपी राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी के कदम का काउंटर करना शुरू कर दिया है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पार्टी टीएमसी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन यानी 22 तारीख को एक विशाल मार्च निकालने जा रही है। खुद ममता बनर्जी इसकी नेतृत्व करेंगी। ममता बनर्जी ने मीडिया में बताया है कि 22 जनवरी को कोलकाता के अंदर एक रैली होगी। यह काली मंदिर से रैली शुरू होने वाली है। यहां मैं मां काली का पूजा करूंगी। इसके बाद हजारा पार्क से सर्कस मैदान तक अंतर धार्मिक रैली निकाली जाएगी, यानी रास्ते में जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे आएंगे सब जगह जाकर प्रार्थना किया जाएगा। सभी लोग इस रैली में शामिल हो सकते हैं। इसी दिन उनकी पार्टी हर जगह, हर जिले के अंदर ब्लॉक स्तर पर 3 बजे रैली करेगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखी टिप्पणी की है दोस्तों। कुल मिलाकर ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 22 तारीख को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उस पर स्पष्ट तौर पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। यही बड़ा कारण है कि भाजपा के लोग अब पश्चिम बंगाल के अंदर अपने नेता शुभेंदु अधिकारी को आगे करके तृणमूल कांग्रेस की रैली को स्थगित कराने की मांग के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपनी याचिका में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में सशस्त्र बलों के जवानों की तैनाती के लिए हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। विपक्ष के नेता ने तर्क दिया है कि पश्चिम बंगाल में विभिन्न धार्मिक त्योहारों के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई है और इस पर ध्यान देना चाहिए और सावधानी बरतनी जानी चाहिए, रैलियों को रद्द किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि डर की वजह से भाजपा के नेता हाईकोर्ट में जाकर रैली रुकवाने की मांग कर रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांग सहित 4 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कोषा अध्यक्ष अजय माकन मौजूद रहे। अजय माकन की मौजूदगी में सारे नेताओं ने पार्टी का दामन थामा है। साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस संदेश यात्रा का आरंभ कर दिया है। हरियाणा में जगह जगह पार्टी रैली रोड शो कर रही है दोस्तों। हरियाणा कांग्रेस के संदेश यात्रा में भारी संख्या में पार्टी के नेताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। साथ साथ तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका तेलंगाना में उस वक्त लगने जा रहा है जब जानकारी आ रही है कि बीजेपी के बड़े नेता और बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से कैंपेन कमेटी के प्रमुख रहे एटेला राजेंद्र कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उनको करीमनगर लोकसभा सीट से मैदान में
उतार सकती है। तेलंगाना के अंदर हाल ही में विधानसभा चुनाव में एटाला राजेंद्र गजवेल सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। इस सीट पर बीआरएस पार्टी के प्रमुख केसीआर और कांग्रेस पार्टी के नरसा रेड्डी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। एटाला राजेंद्र बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरे थे तो उनको हार का सामना करना पड़ा है। केसीआर को गजवेल की सीट पर जीत मिली, इसके बाद उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी का दामन थामने का फैसला लिया है। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर जबरदस्त तरीके की राजनीति तेलंगाना में देखने को मिलेगी। बीजेपी के बच्चे कुछ नेता भी अब कांग्रेस पार्टी में जाएंगे और इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमसे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए बल्कि बीआरएस पार्टी से लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के विस्तार से भाजपा को डर सताने लगा है उनके खत्म हो जाने का, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले के खिलाफ शिवसेना यूबीटी के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ही असली शिवसेना कहा गया है। उद्धव ठाकरे की तरफ से सोमवार को याचिका दायर की गई थी, 19 जनवरी को सुनवाई तय की गई थी, हालांकि अब सुनवाई 22 जनवरी को होने वाली है। बताया गया है कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और मनोज मिश्रा की बेंच से मांग की है कि इस याचिका पर शुक्रवार की जगह सोमवार को यानी 22 जनवरी को सुनवाई होनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों कोर्ट की ओर से क्या निर्णय आने वाले दिनों के अंदर आता है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राज्य की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में ना पड़े, उनकी सुरक्षा में किए गए उपायों को जारी रखने का निर्देश दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अदालत ने मुख्तार अंसारी के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाने वाले चार्ट को ध्यान से देखा और पाया है कि वे काफी मजबूत लगते हैं। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने जेल परिसर के भीतर ही अपने पिता की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए यूपी के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग की थी। दोस्तों, साथ साथ नोएडा के अंदर किसानों ने दिन भर किया हंगामा, डीएम कार्यालय के सामने घेराव करते हुए प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में नोएडा के अंदर मंगलवार को किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दोपहर 1:30 बजे किसान मोदी मॉल से पैदल मार्च करते हुए डीएम कार्यालय तक पहुंचे और घेराव किया गया है। विधायक पंकज सिंह के कार्यालय के बाहर भी किसानों ने जमकर नारेबाजी की है। दरअसल दोस्तों, किसान 15 सूत्रीय एक ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक मांगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए डीएम को मांगे सौंप दी गई है। आपको बता दें कि इनमें ज्यादातर जो मांग की जा रही है वो किसानों के भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। साथ साथ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के वर्ली के अंदर एक विशाल टाउन हॉल शैली में बैठक में शिवसेना विवाद में स्पीकर के फैसले की आलोचना करते हुए एक प्रमुख संविधान विशेषज्ञ ने बताया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। उन्होंने शीर्ष अदालत की गंभीर अवमानना की है। राहुल नार्वेकर के फैसले की आलोचना करते हुए वकील असीम सरोदे ने नार्वेकर पर फैसला लेने में देरी करने और अंततः राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर फैसला लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फैसला मैगी नूडल्स की तरह तैयार किया गया, स्पीकर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरह सबूत लिया, राजनीतिक मंशा से फैसले में अनावश्यक रूप से लंबे समय तक देरी की गई। सरोदे ने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष ने उदाहरणों और मापदंडों के विपरीत अपने निर्णय में विधायक दल यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के बहुमत को स्वीकार किया है, उस राजनीतिक दल को नजरअंदाज कर दिया है जो मूल पार्टी है। उन्होंने कहा कि विधायक दल का कार्यकाल 5 साल का होता है और बाद में इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दल एक बड़ी इकाई होती है और विधायक दल के ऊपर होती है, जिस पर अध्यक्ष ने विचार नहीं किया है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस मामले पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और संवैधानिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि फैसला गलत लिया गया है। आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट को तय करना है। साथ साथ राजस्थान में एक बार फिर से आरक्षण का आंदोलन शुरू होने वाला है। दोस्तों, धौलपुर भरतपुर के जाटों ने डाला है महापड़ाव, पटरियां उखाड़ने, ट्रेन रोकने और हाईवे जाम करने को लेकर चेतावनी दी गई है, यानी आने वाले दिनों के अंदर आरक्षण की मांग और ज्यादा तीव्र होने वाली है। राजस्थान में फिर से भरतपुर धौलपुर के जाटों ने केंद्र सरकार से आरक्षण की मांग की है। जाट समाज ने बुधवार को भरतपुर के जयचौली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव दिया है। सरकार को 22 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया है, अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे अपने तरीके से समाज के लोग कार्रवाई करेंगे और एक तरीके से खुली धमकी दी गई है। दोस्तों, देखते हैं प्रशासन की ओर से और भाजपा सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने नागा समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास शांति समझौते का कोई समाधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि वो शांति समझौता करवाएंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने मोदी सरकार से पूछा कि 9 साल बीतने के बावजूद नागालैंड के लोगों से किया गया वादा कब पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी समाधान नहीं है, वो केवल झूठ बोलना जानते हैं। साथ साथ मणिपुर के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी हिंसा देखने को मिली थी और जब यात्रा समाप्त हुई है तब भी दोस्तों हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी को रैली करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। अब मणिपुर से एक और बड़ी अपडेट आई है, एक कमांडो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 8 महीने से लगातार मणिपुर के अंदर हिंसा की कोई ना कोई खबरें आती रहती है। प्रधानमंत्री को क्या इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी दुनिया में मस्त है। कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोगों से पूछा है, देखते हैं बीजेपी के लोग इस पर क्या जवाब देते हैं। दोस्तों, साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सड़कों पर उतर आया है। पार्टी के आह्वान पर
साहिबगंज जिला बंद है। हेमंत सोरेन इसी जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सुबह से जिले के अंदर अलग अलग जगह पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जिले के कई मुख्य बाजार बंद कर दिए गए। बरहेट विधानसभा के पटना चौक, इमली चौक, बरहेट बाजार, साहिबगंज, गोविंदपुर मुख्य पथ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सुबह से बांस की बैरिकेडिंग्स लगा दी। इसकी वजह से गाड़ियां यहां जस की तस रुक गई। हालांकि स्कूल बस और एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। बोरियों में पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ उतरे। कुल मिलाकर दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे राज्य भर के अंदर जोरदार तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आने वाले दिनों के अंदर ये मोर्चा और ज्यादा सुदृढ़ होगा, इस तरीके के संकेत भी दिए गए हैं। साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव भी अपनी यात्रा पर निकल गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने लखनऊ से पीडीए यात्रा की शुरुआत की है। 13 जिलों से यात्रा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। राहुल की यात्रा पर कहा कि हमें कांग्रेस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। अखिलेश यादव लखनऊ से पीडीए यात्रा की रवाना करते हुए मीडिया से बात करते नजर आए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखिलेश यादव का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी उनको नहीं बुलाती, एक तरीके से अपने अंदाज में उन्होंने तंज कसा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश के अंदर होगी तो यह बात पूरी तरीके से तय है कि अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम भजन गाकर बीजेपी पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रवैये को लेकर आलोचना की गई है। अयोध्या में दर्शन करने गए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ आरएसएस के लोगों ने दुर्व्यवहार, अभद्रता, ध्वज के साथ अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए अब अपने तरीके से राम भजन गाकर बीजेपी का विरोध किया है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो भी शेयर किए गए हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर एक साथ मैदान में उतरना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।